देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे कैसे रोक सकता है? तब कौवे ने आँखों से आंसू टपकाते हुए कहा, मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।